2024 के ऐसे कुछ बेस्ट 15 कलर कॉम्बिनेशन के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जिसको अगर आप लोग ट्राई करोगे तो ट्रस्ट मी इसके अंदर आप लोग बहुत ज्यादा सेक्सी लगने वाले हो। ये वीडियो मेरे हर एक भाई के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अभी अगर थोड़ा देखा जाए तो जो आपका बॉडी टाइप होता है या फिर जो आपका स्किन का जो कलर होता है, तो उस हिसाब से मतलब आप लोगों को कपड़ों को वेयर करना चाहिए। बट बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा मतलब बहुत सारे कलर ना हमें पसंद आते हैं, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मतलब यार मेरा स्किन का जो कलर है वो तो मतलब कूल टोन है या फिर वार्म टोन है, तो मतलब मैं क्या पहनूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो कलर अगर आप लोग का पहनने का मन है या फिर आप लोग को पसंद है तो वो आप लोग को पहनना चाहिए। ज्यादातर ना वो आप लोग को थोड़े से लाइटर शेड्स में वेयर करना चाहिए, जिससे आप लोग ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगोगे, अति में इससे आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो इस वीडियो को सेव और शेयर जरूर से कर लेना, क्योंकि ये जो कलर कॉम्बिनेशन है तो आप लोग का स्किन टोन कोई भी हो आप लोग इसको इजिली सिलेक्ट कर सकते हो। पहले लास्ट वीडियो में हमारे भाई ने क्वेश्चन करा था तो उसका आंसर कर देते, तो यहाँ पे वैसे नाम तो मेंशन नहीं, तो आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ अपना नाम भी मेंशन किया करो। तो भाई पूछ रहे कि विंटर एयरफॉल के ऊपर वीडियो बनाओ, तो देखो जो विंटर में जो नॉर्मली जो हेयरफॉल हमें देखने को मिलता है तो वो ज्यादातर मतलब वैसे तो बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है, और जो सबसे बड़ा मेन रीजन है वो है डैंड्रफ। आप लोग को बहुत ज्यादा हेयरफॉल की दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले तो आप लोग को अपने बालों की लेंथ कम कर देनी चाहिए। तो मैं आप लोग को ऐसे शैम्पू को यूज करना जिसके अंदर ये वाला इंग्रेडिएंट हो। इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा या फिर आप लोग का और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो। सबसे पहले ये देखते कि 2024 में आप लोग को ऐसी कौन सी चीजें जिनको आप लोग को अवॉइड करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर आप लोग को पैसे स्पेंड नहीं करने हैं। नंबर 1 है वो साइड जिप टी शर्ट, नंबर 2 है वो कैप्री, नंबर 3 है वो स्किनी फिट जींस, नंबर 4 है वो डीप वी नेक टी शर्ट, नंबर 5 वो शाइनी टी शर्ट, नंबर 6 है वो रबर प्रिंटेड जो टी शर्ट आते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, 7 है वो बड़े बक्कल्स वाले बेल्ट, नंबर 8 है वो ओवर प्रिंटेड शर्ट। इन चीजों को आप लोग को बिल्कुल से अवॉइड कर देना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन में जो सबसे नंबर 1 है वो ब्राउन प्लस ब्लैक। अब देखो भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ना, तो भले आप लोग फॉर्मल्स वेयर करो या फिर कैजुअल वेयर करो, ये आप लोग को खतरनाक लुक देने वाला है। फॉर्मल्स में तो आप लोग समझ गए होंगे, बट अगर स्पेशली मैं कैजुअल की बात करूं तो देखो यहाँ पे ना आप लोग फुल स्लीव्स वाले होते हैं फिर जैसे स्वेट शर्ट्स होते हैं तो उनको वेयर कर सकते हो ब्लैक कलर के जींस के साथ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो एक रूल हमेशा रखना फॉर्मल्स में, जो कोई भी बेल्ट होता है फिर जो शूज होते हैं तो उसका कलर सेम होना चाहिए। एक बात हमेशा रखना, जितने भी जो कलर्स होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा ओवर ब्राइट नहीं होने चाहिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जितने लाइटर टोन में होंगे तो वो बहुत ज्यादा मतलब फाड़ू दिखने वाले। नंबर 2 का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है लाइट ब्लू प्लस ब्लैक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लाइट ब्लू में भी वैसे बहुत सारे शेड्स आते हैं। यहाँ पे जो मैं रेफरेंस के लिए जो इमेजेस ऐड कर रहा हूँ उसको ही आप लोग को फॉलो करना है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। नंबर 3 है वो है बॉटल ग्रीन प्लस ब्लैक, ये बहुत ज्यादा मतलब सेक्सी दिखने वाले अगर आप लोग इसको ब्लैक के साथ वेयर करते हो। तो फॉर्मल्स के लिए हमेशा याद रखना जितने भी ये जो कलर्स बता रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा शाइनी नहीं होने चाहिए, तो थोड़े मैट में होंगे तो ये काफी अच्छे लुक देने वाले। स्पेशली अगर मैं पैंट्स की बात करूँ, देखो पैंट्स में ना ज्यादातर मतलब आप लोग को बहुत ज्यादा अगर आप लोग को स्पेंड नहीं करना है तो यहाँ पे ना आप लोग ब्लैक पैंट हो गया या फिर जो ग्रे पैंट होते हैं तो उनको ले सकते हो। अगर आप लोग कैजुअल में जाओगे तो यहाँ पे आप लोग ब्लैक जींस हो गया, ग्रे जींस हो गया या फिर एक ब्लू जींस को ले सकते हो। ये 3 डेनिम जींस और 2 फॉर्मल पैंट भी होंगे, इसी के साथ आप लोग इजीली किसी भी कलर टोन को ऐड कर सकते हो। नंबर 4 है वो है लाइट पिंक प्लस ब्लैक। लाइट पिंक मतलब ये मत सोचना कि भाई ये लड़कियों वाला कलर है, स्पेशली अगर फॉर्मल्स में अगर आप लोग इसका कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये बहुत ज्यादा फाड़ू लुक देने वाला है। फॉर्मल्स में स्पेशली आप लोग को इसके साथ एक वॉच को ऐड करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 का कॉम्बिनेशन है वो है मरून प्लस ग्रे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। जो मरून कलर है इसके साथ फॉर्मल्स की बात करो तो ग्रे हो गया फिर ब्लैक को वेयर कर सकते हो, बट अगर कैजुअल की बात करो तो आप लोग यहाँ पे ब्लैक या फिर मतलब ब्लू को वेयर करोगे तो ये काफी ज्यादा सेक्सी लुक देने वाला है। 6 है वो ग्रे प्लस ब्लैक। अब मेरे भाइयों ये भी बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है, अगर आप लोग मतलब प्रेजेंटेशन है आप लोगों का या फिर आप लोग किसी फंक्शन में जाना चाहते हो तो वहां पे भी आप लोग इसको अगर वेयर करोगे तो ये काफी क्लासी लुक देने वाला है। नंबर 7 है वो टैन प्लस ब्लैक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो टैन कलर है इसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है। आप लोग टैन कलर का स्वेटशर्ट हो गया, शर्ट हो गया या फिर आप लोग जैकेट्स को भी लेते हो ब्लैक के साथ, तो ये मेरे भाइयों ये काफी ज्यादा खतरनाक लुक देने वाला है। नंबर 8 का कलर कॉम्बिनेशन है वो व्हाइट प्लस ऑलिव कलर। अब यहाँ पे व्हाइट को चूज करते हुए आप लोग को ये ध्यान देना है इसके ऊपर कोई भी ज्यादातर मतलब प्रिंट्स वगैरह ना हो। ऑलिव कलर की वैसे तो डेनिम्स वगैरह बहुत ही कम मिलती है, आप लोग को लेनी भी नहीं चाहिए, बट ऑलिव कलर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉटम में तो यहाँ पे आप लोग चीनो को ले सकते हो जो काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। और 9 है वो अपर में ऑलिव और बॉटम में आप लोग को ब्लैक को वेयर करना है, स्पेशली ऑलिव हो गया फिर जो टैन कलर होता है फिर जो ब्लू होता है ब्लैक होता है, तो इनमें ना आप लोग अगर डेनिम के शर्ट्स भी लेते हो तो मेरे भाइयों ये काफी ज्यादा खतरनाक लुक देने वाला है। नंबर 10 है वो व्हाइट प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है तो ये स्पेशली आप लोग कैजुअल में यूज कर सकते हो। कैजुअल में आप लोग यहाँ पे शर्ट को वेयर कर सकते हो, टी शर्ट को वेयर कर सकते हो या फिर आप लोग हुडी को वेयर कर सकते हो ब्लू जींस के साथ। 11 है वो क्रीम प्लस ब्लैक, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। जो क्रीम कलर है ना तो ये आपका स्किन टोन कोई भी हो ये आपके ऊपर काफी क्लासी लुक देने वाला है। बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, अगर उनके अगर
आप लोग कपड़ों के कलर देखोगे तो वो मतलब थोड़े से लाइटर साइड पे होते हैं। बट 12 है वो है पर्पल प्लस ब्लैक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पर्पल में आप लोग को ये मिस्टेक नहीं करना, जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो आप लोग को डार्क नहीं, तो यहाँ पे भी आप लोग को लाइट शेड को ही चूज करना है। 13 है वो है स्काई ब्लू प्लस ग्रे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। स्पेशली ये फॉर्मल्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। नंबर 14 है वो है नेवी ब्लू प्लस ग्रे। अब यहाँ पे आप लोग फॉर्मल्स हो गया फिर कैजुअल में, दोनों में आप लोग को खतरनाक लुक देने वाला है। नंबर 15 है वो है ब्लैक प्लस ग्रे। मेरे भाइयों बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, और अगर आप लोग आग बंद करके भी इसको वेयर करोगे तो आप लोग को बहुत सारे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जितने भी मैंने कलर कॉम्बिनेशन बताया तो आप लोगों को ना कपड़े जो लोगे तो वो थोड़े से फिटेड होने चाहिए। स्पेशली मैं फॉर्मल्स की बात करूं, अगर ओवर साइज की भी बात करूं, अगर आप लोग अपर साइड में ओवर साइज वेयर करते हो तो बॉटम में भी आप लोग को थोड़े से ओवर साइज जींस को वेयर करना चाहिए। ये बेसिक रूल भी अगर आप लोग फॉलो करोगे 2024 में तो आप लोगों को एक काफी ज्यादा खतरनाक लुक देने वाला है। आई होप इस वीडियो से आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी, तो वीडियो को प्लीज शेयर कर देना यार। आप लोग के कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं मेरे और भी यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पीस।